नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के बारे में जानेंगे और संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। कब इसकी शुरुआत हुई, कब किसने इसकी शुरुआत की, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, इसे कब मनाया जाता है, 14 नवंबर, 24 नवंबर, 20 नवंबर या फिर 25 नवंबर। आइए जानते हैं संपूर्ण विश्लेषण के साथ। दोस्तों, कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, 20 नवंबर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और शुरुआत कब हुई, 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस शुरुआत किसने की थी, इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। और दोस्तों, क्यों मनाया जाता है यह दिवस, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, बच्चों के प्रति जागरूकता और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। भारत में 20 नवंबर दोस्तों बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20 नवंबर का महत्व बढ़ना, कैसे 20 नवंबर का महत्व बढ़ा, 20 नवंबर के दिन 1959 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने बाल अधिकारों की घोषणा की थी, इसलिए 20 नवंबर का महत्व बढ़ जाता है। बाल कन्वेंशन अपनाया गया दोस्तों, वर्ष 1989 में 20 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल कन्वेंशन अपनाया। अब दोस्तों जानते हैं बाल कन्वेंशन प्रभाव में आया, सितंबर 1990 में दोस्तों ये प्रभाव में आया। और बात करते हैं विश्व के कितने राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए, दोस्तों विश्व के 196 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए हैं। और किस देश ने अब तक इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए, दोस्तों आंसर है अमेरिका। और भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए, भारत ने इस पर 1992 में हस्ताक्षर किए, 1992 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षरकर्ता देशों ने क्या वचन दिया है दोस्तों, उन्होंने अपने देश में सभी बच्चों को जाति, धर्म, रंग, लिंग, भाषा, संपत्ति, योग्यता आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के संरक्षण देने का वचन दिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।